रुपम, मैं आज आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करती हूँ जो काफ़ी लोगों का जो पोलैंड का वर्क परमिट आ जाता है। वैसे आप लोगों को पता है कि अपॉइंटमेंट डेट इजीली नहीं मिलता है, काफ़ी प्रॉब्लम आती है वीफेस के डेट को लेने में, और बाहर कुछ चार्जेस वगैरह भी करना पड़ता है। बट ये उनके लिए है जो बाहर है, जैसे लाइक दुबई, अफगानिस्तान, बुकारेस्ट, रोमानिया, साउथ अफ्रीका, जो कैंडिडेट्स बाहर से पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं। इट्स मीन्स वर्क परमिट इशू हो गया है और वो वहाँ पे पहले से ऑलरेडी काम कर रहे थे जिस कंट्री में, बाहर वाली कंट्री में। सो वो लोग इस वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपने कुछ डिटेल्स वगैरह भर के पोलैंड के वर्क परमिट की भी डिटेल शेयर करना है, और अपनी पर्सनल डिटेल्स भी शेयर करके एंड एम्बेसी में वो डिटेल चला जाता है, और एम्बेसी के थ्रू उनको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाता है। मेन इसमें सबसे बड़ा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, मेल आईडी। मेल आईडी वही रखना जिसपे आपका मेल आप लोग एवरीडे चेक कर रहे हो और आपका मेल वहाँ पे आ रहा हो और जा रहा हो। तो उसमें वहाँ पे मेल आईडी मेंशन करके उसमें सारा कुछ आना शुरू हो जाता है। अगर आपको देखना है तो मैं आपको सारा कुछ क्लियर क्लियर दिखा देती हूँ कि ये इस वेबसाइट पे जाके आपको करना पड़ेगा। सो पहले आपको ई कॉन्सुलेट गोरनपोल, ये वेबसाइट है, और ये देखो ये सीरीज दे रखा है। आप जिस कंट्री में रह रहे हो आपको सर्च कर लेना और यहाँ पे डाल देना। जैसे मैं आपको पहला बुकारेस्ट रोमानिया का डाल के दिखा देती हूँ, जो बंदा बुकारेस्ट में रह रहा है। सो मैं आपको अपना